सो हे गाइस, आप सभी का फिर से नए वीडियो स्वागत है। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि अगर आपको SIP स्टार्ट करना है, वो भी गाइस जो निफ्टी 50 यानी जो टॉप 50 कंपनी है, सो उसमें अगर आपको SIP स्टार्ट करना है, सो आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट हो सकता है SIP के लिए, सो आज मैं आपको इसी के बारे में फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ। और बाकी गाइस जो मोस्ट पॉपुलर हो जाते हैं, जैसे UTI निफ्टी 50 इंडेक्स हो गया, और गाइस साथ ही में एक और आ जाता है जो कि रहता है ICICI का, सो इन तीनों का मैं आपको फुल कंपेरिजन करके बताऊंगा, ताकि गाइस आप अपने लिए लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट SIP वगैरह कर सको। और गाइस जो SIP का कंपाउंडिंग का पावर आ जाता है, सो गाइस आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप SIP चालू रखते हो, सो आपको लास्ट में एक बहुत ही ह्यूज रिटर्न मिल जाता है, जो कि गाइस आप बाकी गाइस मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से जो SIP का पावर है, सो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि गाइस आपको एक आइडिया लग जाए कि जो SIP रहता है सो बहुत ही पावरफुल इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो बाकी चलिए अभी फिर वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस बाकी आप इस कैलकुलेटर के यूज से आप भी कैलकुलेट कर सकते हो, गिरो की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। एग्जांपल ले लेता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे SIP जो कि जाना जाता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि गाइस आपका मंथली बेसिस पे एक इन्वेस्टमेंट होता जाता है। जब आप SIP स्टार्ट कर दोगे, सो जो भी आप अमाउंट सेट करोगे सो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट होता जाता है। बाकी गाइस मैंने जो SIP स्टार्ट करने का 2 वीडियो बना दिया है, गिरो से भी आप कर सकते हो, बाकी अगर आपके पास ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट है सो आप उससे भी कर सकते हो। सो अभी यहाँ पे सपोज कीजिए आप मंथली 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न पकड़ लेते अपन 15%, क्योंकि ज्यादा मैंने ऑब्जर्व किया है, सो जितने भी निफ्टी 50 इंडेक्स है उनका ऑलमोस्ट हर साल का 15% ऑन एवरेज आ जाता है। और यहाँ पे मान लीजिए आप 15 साल के लिए एक LIC पॉलिसी लेते हो, सो उसका भी 15 साल के लिए आप ले लेते हो। सो जस्ट यहाँ पे आपको एक ऐसा सोचना है कि यहाँ पे आपको एक और आपने LIC पॉलिसी ले ली है, जो कि गाइस आपको 15 साल तक उसका प्रीमियम पेड करना है। सो यहाँ पे अभी सिंपल यहाँ पे आप देखोगे 9 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट होगा, और यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 25 लाख रुपए एज अ रिटर्न मिल जाएगा। और गाइस जो आपकी टोटल वैल्यू होगी, सो यहाँ पे आप देख सकते हो 33,84,315 रुपए हो जाता है। सो यहाँ पे देख सकते हो यानी आपको काफी बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल जाता है, जो कि गाइस आपको किसी भी कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अगर आप FD वगैरह करोगे सो उसमें तो आपका 0% होगा, कुछ भी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता है उसमें, अपना पैसा और उल्टा कम हो जाता है। सो गाइस इसीलिए अगर आप SIP स्टार्ट करते हो निफ्टी 50 इंडेक्स में, सो आपको एक ह्यूज रिटर्न मिल जाएगा। सो गाइस यहाँ पे आपके ऊपर रहता है कि आप कितना सेविंग कर पाते हो। सो अगर मान लीजिए आप 500 रुपए भी करते हो, सो यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट आपको 2.5 लाख रुपए मिल जाएगा, बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे सो उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। बाकी गाइस जो ज्यादातर लोग यहाँ पे टोटल रिटर्न देखते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन तो अपना ये आ जाता है कि अपन कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पे। सो बाकी चलिए अभी जो मैं आपको कंपैरिजन करके बता देता हूँ, जो 3 म्यूचुअल फंड बेस्ट जो कि SIP के लिए हो जाते हैं। सो गाइस मैंने यहाँ पे कंपेयर करने के लिए तीनों निफ्टी 50 इंडेक्स को ले लिया है, जो कि आप देख सकते हो ये UTI का है, और ये SBI का है, एंड ये ICICI का है। सो अभी हम तीनों का मेन अपना जो एक्सपेंसेस रेशो हो गया एंड जो एग्जिट लोड हो गया, मिनिमम SIP अमाउंट हो गया, सो मैं आपको फुल डिटेल्स में बता देता हूँ। अभी यहाँ पे आप 1 ईयर का देखोगे, जो कि तीनों का सेम ही रहेगा, क्योंकि तीनों निफ्टी 50 इंडेक्स है। सो अभी ग्राफ को देखने की कोई जरूरत नहीं है, बट हाँ यहाँ पे आप एवरेज देख सकते हो कि एवरेज आपका जो रिटर्न का परसेंटेज है, सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो 1 साल का है 70%, जो कि एवरेज हो जाता है। और उसके बाद अगर आप 3 ईयर्स का देखोगे, तो यहाँ पे 3 ईयर्स का ऑलमोस्ट 15% ही है तीनों का, और उसके बाद यहाँ पे 5 साल का भी देख सकते हो 15%। यानी आपको जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, सो इसमें होना एवरेज 15% तक का रिटर्न मिल जाता है, जो कि गाइस FD से कई गुना ज्यादा हो जाता है। अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं जो अपना मेन डिटेल्स का रहता है, सो तीनों का यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी रिस्क की बात करें, सो निफ्टी 50 इंडेक्स है, सो इसमें हाई वोलेटिलिटी रहता है, सो तीनों में वेरी हाई रिस्क रहता है। बाकी यहाँ पे मिनिमम SIP अमाउंट की बात करें, जो SBI निफ्टी फंड है सो इसका, और जो UTI सो दोनों का सेम है। बाकी जो ICICI है सो इसमें आप 100 रुपीज से भी SIP स्टार्ट कर सकते हो। अभी मेन आ जाता है अपना एक्सपेंसेस का, यानी जो भी इनका फंड मैनेजर होगा सो उसको कुछ तो भी चार्जेस वगैरह लेता है, सो इसीलिए यहाँ पे अभी देख सकते हो जो एक्सपेंसेस रेशो है, जो UTI है सो इसका 0.21% है, और बाकी जो SBI एंड ICICI है सो इन दोनों का 0.18% हो जाता है। सो गाइस अपना मेन आ जाता है एग्जिट फ्लोट का, यानी आप जब विड्रॉ करोगे सो तब कुछ थोड़ा बहुत चार्जेस आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पे UTI में आपको कुछ भी चार्जेस नहीं देना है। बाकी गाइस जो SBI है, सो SBI में अगर आप 15 दिन के अंदर रिडीम करते हो सो आपको 0.20% का एज ए एग्जिट फ्लोट चार्जेस देना पड़ेगा। बाकी जो ICICI में भी आपको नील देखने को मिल जाता है, यानी इसमें भी आपको कोई भी एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और बाकी गाइस जो कंपैरिजन करने के लिए और कुछ ज्यादा बचता नहीं है, क्योंकि तीनों निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है सो इनका रिटर्न वगैरह सब सेम ही होगा। बस यही जो अपना मेन रह जाता है कि एग्जिट लोड चार्जेस एंड जो एक्सपेंसेस रेशो चार्जेस, सो बस यही मेन हो जाता है। और बाकी यहाँ पे देख सकते हो जो फंड स्टार्टेड है सो तीनों सेम डेट को, यानी 2013 से स्टार्टेड है। और बाकी जो तीनों म्यूचुअल फंड है सो यहाँ पे देख सकते हो तीनों के तीनों म्यूचुअल फंड बेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर हो जाते हैं। और रेटिंग भी आप देख सकते हो तीनों का 3-3 स्टार
स्टार रेटिंग हुआ है। सो गाइस अभी यहाँ पे फाइनल रिजल्ट अपना ये आता है कि अगर आप कोई एसआईपी स्टार्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, वो भी गाइस निफ्टी 50 इंडेक्स में, तो आप आईसीआईसी में कर सकते हो क्योंकि ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है। और बाकी यहाँ पे कुछ और ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, सो आप डेफिनेटली आईसीआईसी में अपना निफ्टी 50 इंडेक्स में आसानी से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि आपको ह्यूज रिटर्न मिल जाएगा कुछ सालों में। और अभी मैं आपको बताऊं, मैंने भी यहाँ पे जो जीरोधा डीमैट अकाउंट है सो उससे आईसीआईसी में किया हुआ है, सो चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने भी यहाँ पे आईसीआईसी में ही जो इंडेक्स फंड है सो इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो की मंथली इन्वेस्टमेंट रहता है मेरा 1,000 रुपए। सो यहाँ पे देख सकते हो करंटली यहाँ पे 27 रुपए का रिटर्न भी मुझे दिया हुआ है। सो एक बेस्ट इंडेक्स फंड के लिए हो जाता है जो आईसीआईसी है, क्योंकि इसका मुझे सबसे अच्छा लगा है। सो गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप जो ग्रो डीमैट अकाउंट है सो आप इससे आसानी से कर सकते हो, बहुत ही इजी रहता है और इसका मैंने ऑलरेडी पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, सो वाला वीडियो देख के आप आसानी से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। बाकी गाइस बस आज के वीडियो यही था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए।